ये आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। भरोसा रखिए। अपने आगरा रोड वाले 110 एकड़ पर यूनिवर्सिटी का प्लान आ चुका है। ये देखिए सरस्वती सेंटर ऑफ एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास मेडिकल, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, आईटी, साला हर सब्जेक्ट का कॉलेज। 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। आप तो बस शिक्षा का एम्पायर खड़ा करिए वहां पर। साल भर के अंदर सरस्वती को स्टॉक मार्केट में ले जाएंगे और उसके बाद पब्लिक से कम 5000 करोड़। जय भोले बाबा की। आखिर आज वो ऐतिहासिक फैसला आ ही गया। पिछले 60 साल से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 22.5% आरक्षण तो था ही, मंडल कमीशन के रेकमेंडेशन पर बने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के कानून पर जो ग्रहण लगा था उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाकर दूर कर दिया। अब अपने देश में ऊंची शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुल मिलाकर 49% आरक्षण है। किसने किया ये? किसने लिखा ये? नहीं मानेंगे ये लोग। डरपोक साहब के जैसा डस के बिल में घुस जाते हैं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिसने भी किया है गलत किया है। छोटू, पानी ले आए बाल्टी। इसको मिटाने की क्या जरूरत है मिस्टर दीपक कुमार? इसको बस थोड़ा बदल दीजिए। आरक्षण के बदले लिख दीजिए खैरात। हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे और जब एडमिशन का मौका आए तो खैरात लूट लीजिए आप लोग। डर लगता है ना मेहनत करने से। अगर हिम्मत है तो चैलेंज उठाओ और लड़ो, मगर वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए मेरिट जो नहीं है तुम्हारे पास। करेंगे मुकाबला मेरिट से भी तुम्हारा, मगर रेस की स्टार्टिंग लाइन एक होनी चाहिए सबके लिए। जाओ पहले अपने बाप से कहो अपनी पुश्तैनी हवेली को छोड़कर हमारे पास आकर बस्ती में रहे। अगर किसी तरह की शिकायत थी तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? सर इसका कोई फायदा नहीं होता। सर आप कभी दीपक कुमार के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, सबको पता है सर। What? Out. Get out of here. Now. इस बिहेवियर के लिए मैं आपके ऊपर अनुशासनिक और मैं उम्मीद भी क्या रख सकता हूं ऐसी जगह से जहां मुझे खरी बात बोलने के लिए सजा मिलेगी और उन लोगों का कुछ नहीं होगा जो एसटीएम के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये देखिए आपके वाइस प्रिंसिपल खुलेआम के कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, लाखों कमाते हैं मगर उनको सात खून माफ है सर। आखिर उनकी पहचान हमसे अलग है। क्या आप मुझ पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं? आर यू ट्राइंग टू अक्यूज मी ऑफ बीइंग ए कास्टिस्ट? सो लीव। किसकी क्लास है? सर वाइस प्रिंसिपल सर की। अभी आते ही होंगे, आप सब लोग अपने नोट्स देखें तब तक। सर वो नहीं आएंगे। सर वो कभी कभी ही आते हैं। पिछले 3 हफ्ते से तो एक बार भी नहीं। प्रभाकर ये क्या कर रहे हो तुम यार? वही जो तुम्हारे बोर्ड ने 11 वर्षों से नहीं किया। अगर तुम लोगों ने मेरे रेमेडियल क्लासेस के प्रस्ताव को मान लिया होता और अपने कॉलेज के अंदर कमजोर बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था कर ली होती तो के कोचिंग जैसे राक्षस नहीं खड़े होते। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि किस तरह ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को निगलते चले जा रहे हैं। लेकिन तुम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है प्रभाकर, और तुम ये जानते हो। खैर ये एसटीएम तो एक प्राइवेट कॉलेज है, सरकार तक नहीं करती ये। तो क्यों नहीं करती वो? क्यों नहीं अपनी सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा पर वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करती? क्यों इस देश में आईएएस, आईएफएस, मेडिकल, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, हर तरह के टैलेंट को हम लुभावना करते जा रहे हैं और जो इन सबको तैयार करता है उसे निगलेक्ट करते हैं हम? अगर तुम सचमुच पिछड़ों को उठाना चाहते हो तो उनको बेहतर से बेहतर प्राथमिक शिक्षा दो, अलग से स्कूल्स खुलवा दो, बड़े से बड़े हॉस्टल्स बना दो, स्कॉलरशिप्स दो, जितनी सुविधाएं देनी है दो, और उनको कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करो। ये आरक्षण का कानून क्यों बनाते हो? जो तुम कह रही हो वो तो होना ही चाहिए, और यही हम ठीक से कर नहीं पाए पिछले 60 वर्षों से, इसलिए आरक्षण और भी जरूरी हो गया है। देश की वो आबादी जो केवल अपने जन्म के कारण पिछड़ी हो उसके लिए मौके की कम से कम एक खिड़की तो खोलनी पड़ेगी। क्या है ये? तुम
ये शब्द मेरे नहीं है। तो क्या तुमने नहीं कहा कि तुम आरक्षण को सपोर्ट करते हो? एक शिक्षक के नाते मैंने अपने व्यक्तिगत विचार जरूर रखे थे, लेकिन एसडीएम के लिए व्यक्तिगत? आपके विचार तभी तक व्यक्तिगत हैं जब तक आप कुछ बोलते नहीं हैं। आप एसडीएम की आवाज हैं। आप जो कुछ भी कहेंगे उसे एसडीएम की पॉलिसी समझा जाएगा। तुम्हें यह स्टेटमेंट वापस लेना होगा प्रभाकर। 35 वर्षों तक शकुंतला ठकराल महाविद्यालय को अपनी सेवा देने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य था। जाहिर है कि अब आपका स्नेह और विश्वास में मैं खो चुका हूं। चलने का वक्त आ गया है। आप सबों को धन्यवाद और शुभकामनाएं। अरे प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे ये सब सामान वगैरह? सामान लेकर घर आना पड़ा अचानक से। ये लेकर? हाँ तो यही तो है आपका घर 2047, पर यहाँ तो कल ही रात से कुछ लोग साइन बोर्ड वगैरह चिपका रहे थे, पता नहीं। आपने 2 साल के लिए हम लोगों को? सुलोचना भाभी कहाँ है? वो अपने रहने के लिए हमने मकान किराए पर लिया है तो। और हमारे घर में कोचिंग सेंटर? वाह। आई। क्या बात है? आप इस घर से बाहर ही रहें तो ठीक रहेगा। हम? बाहर हम नहीं, आप जाएंगे। देखिए ये हमारा बिजनेस प्रमाइस है डॉक्टर प्रभाकर आनंद, एंड यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस हियर। अरे आपको? भाई साहब आपने ही तो कहा था कि हम 2 साल तक रह सकते हैं। 2 साल? क्या बकवास कर रहे हैं आप? दोस्ती में सहारे के लिए आसरा दिया था और आपने विश्वासघात किया हमारे साथ। कामता और मैं सारी जिंदगी कमर्शियल क्लासेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, और आज हमारे घर में के कोचिंग। तो क्या करती मैं, वो खटते रहे ना आपके साथ। क्या मिल गया? एक मकान तक नहीं बना पाए अपना। आपने आसरा दिया पर कमाई तो नहीं हुई ना उससे। ये तो भला हो मिथिलेश जी का जो इन दोनों बच्चों को इन्होंने राह दिखाई के मेहनत करके कुछ जोड़ लें अपना। ये फैमिली कोर्ट का ड्रामा प्लीज बंद कीजिए आप लोग। जिसको जहाँ जाना है जाए, ये जगह 2 सालों के लिए अब हमारे पास है, तो आप केकी कोचिंग क्लासेस को डिस्टर्ब ना करें ना प्लीज। जी नया केस है, अर्जेंसी क्या है? सर डॉक्टर प्रभाकर आनंद के घर पे। योर ऑनर, ये हमारे घर का मामला है। प्रतिवादी लोगों ने अनऑथराइज ऑक्यूपेशन कर लिया, हम सड़क पर आ गए। आई एम एन ओल्ड मैन योर ऑनर, हमें इस घर की बहुत जरूरत है, इसलिए इसका इविक्शन करवाना बहुत जरूरी है मिलॉर्ड। योर ऑनर, इस केस में हमें भी पार्टी बनाया जाए। आप? मैं बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डिफेंडेंट बैंक के कर्जदार हैं और वो जगह उनके बिजनेस प्रमाइस है। अगर उनको वहां से निकाल दिएगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा और बैंक अपनी रिकवरी नहीं कर पाएगा। ये आपने साइन किया? हाँ, लेकिन लोन के लिए गारंटी दी थी, घर की तो कोई बात ही नहीं थी। बात है बाबा, उन्होंने आपकी लोन की गारंटी लेकर इस केस में जोड़ दिया है। क्यों साइन किया आपने? योर ऑनर, इसको स्टडी करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक शॉर्ट डेट दिया जाए। 4 मई। थैंक यू योर ऑनर। शंभु, यहाँ आसपास और भी बच्चे होंगे 10वीं 12वीं क्लास के? है ना गुरुजी, बहुत है, ये बस्ती है दो ही तरफ। जमा करो सबको, चाहे जिस घर से भी हूं मैं पढ़ाऊंगा उनको मुफ्त। For a maximum product of Q into Q minus Q. So, jaisa ki main keh raha tha, a charge Q is divided into 2 parts of Q and Q minus Q. If the Baba, Coulomb ripple. Sushant aur Deepak aapse milna chahte hain.
repulsion between them when they are separated. Baba, please. वो भी मदद करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? सर वो सामने तबेले में कोचिंग क्लासेस चल रही है आजकल। गांधीनगर के बच्चे हैं सर। Really? चल पड़ा इसका नौटंकी लगता है। दीवार तोड़ के राहों को मोड़ के निकली है रोशनी हर बंधन छोड़ के घोलो घोलो ये अंधेरे हाँ बना दो सियाही और लिख दो तुम नहीं शुरू किया देखते देखते 5 से 10, 10 से 20, 20 से 100 और आज पूरे 327 12वीं के छात्र जिन्होंने यहाँ उनके प्रेपरेटरी स्कूल से मुफ्त में कोचिंग लिया उनका रिजल्ट आया है 100% सक्सेस वो भी फर्स्ट डिवीजन में झुकी झोपड़ी में रहने वालों से लेकर शानदार कारों में आने वाले सभी वर्ग के बच्चे यहाँ आते हैं कोई भेदभाव नहीं होता लाखों रुपयों की फीस लेने वाले के कोचिंग जैसे कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट को बिल्कुल पछाड़ कर सिर्फ एक तबेले में शुरू हुआ ये फ्री कोचिंग सेंटर आज एक सुपर तबेला बन चुका है जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं भाई बंद कराना होगा ये देखो गॉड क्या लिखा है सरकारी नोटिस है शंभू काका आपने ये जमीन सरकार से किराए पर ली थी क्या हाँ वो यहाँ के कलेक्टर थे रमेश चंद्र उन्होंने ही बंदोबस्त किया था 20 साल पहले तो अब सरकार इसे वापस लेना चाहती है अरे पर हम तो हर महीने किराया जमा करा देते हैं सारा रसीद है हमारे पास देखिए क्या हो गया 7 दिन पहले की तारीख है मगर चिपकाया आज है जो कि नोटिस का आखिरी दिन है अरे पर ऐसे कोई कैसे छीन सकता है हमसे हमारी जमीन सरकार इस तबेले को तोड़कर यहाँ सरकारी गोदाम बनाना चाह रही है यकीन नहीं आता कि ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं पूर्वी हमें सबकी जरूरत होगी मैं सुशांत को फोन लगाता हूँ और मैं यही रुकता हूँ सर के साथ गए थे आपके डर से अब तो होश ठिकाने आए हैं चलो पर लाठी चलने वाली है अभी अरे देख कर ये सब लोग खत्म हो जाइएगा 1200 करोड़ रुपए का यूनिवर्सिटी बनाए हैं हम 1200 खरीद लेंगे हम सबको बस बहुत बोल चुके आप मिथिलेश सिंह औकात क्या है आपकी कुछ भी खरीदने की अपनी आत्मा तक तो बेच चुके हैं आप ये बखलाहट साफ बता रही है आपका दिवालियापन 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 कितना भी जहर घोल दें आप जैसे लालची बहरूपी मिथिलेश सिंह ये देश ज्ञान और शिक्षा का मूल्य समझता है अपने गुरुओं का सम्मान करना जानता है
1200 तो क्या है, आप 12 लाख करोड़ भी लगा दें तो भी कुछ हाथ नहीं आएगा आपके। भारत की शिक्षा का भविष्य टिकाऊ नहीं है। शकुंतला